हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जिसे मैं अवन में भी बनाऊँगी और स्टोव पर पैन में भी बनाऊँगी। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। पिज़्ज़ा डो के लिए हमें चाहिए 2.5 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून सूखा दूध पाउडर, 1.5 टीस्पून ईस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 अंडा। मैदे को अच्छे से छानकर उसमें नमक, चीनी, सूखा दूध पाउडर और इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर रही हूँ। इंस्टेंट ईस्ट हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डायरेक्ट डाल सकते हैं, उसे हमें पानी में डालकर वेट नहीं करना पड़ता। और फिर सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद एक अंडे को फेंट कर हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 कप नीम गर्म पानी है। थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डालकर बहुत ही नरम सा आटा गूंदना है हमें। पिज़्ज़ा डो जितनी नरम और अच्छी गूंदी हुई होगी, पिज़्ज़ा उतना अच्छा तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के बहुत ही नरम सी डो तैयार कर लेंगे। अगर डो चिपक रही है तो थोड़ा सा तेल भी शामिल कर सकते हैं। जब डो गूंद जाएगी तो एक अलग से प्याला लेंगे, उसमें हर तरफ ऑयल लगाकर उसमें हम अपनी डो को डाल देंगे और कवर करके राइज होने के लिए रख देंगे। ऑयल इसलिए हर तरफ लगा दिया है ताकि जब डो राइज हो तो वो प्याले से चिपके नहीं, बल्कि आसानी से प्याले से बाहर निकल आए। और बचा हुआ सारा ऑयल मैंने डो के ऊपर लगा दिया है और अब डो को कवर करके किसी वार्म प्लेस के ऊपर राइज होने के लिए रख रही हूँ। डो को फ्रिज में हरगिज़ नहीं रखना। इसके बाद चिकन टिक्का बोटी तैयार करते हैं। इसके लिए 250 ग्राम चिकन की बोटियाँ ली हैं। उसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 2 टीस्पून टिक्का मसाला और 3 टीस्पून दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखेंगे। मैं यहाँ पर कोयले का धुआं भी दे रही हूँ। 30 से 40 सेकंड बाद कोयले को निकाल लूँगी और बाकी फिर 2 से 3 घंटे मैरिनेट होने रख दूँगी। इसके बाद एक पैन में तेल डालकर उसमें टिक्का बोटी डाल दूँगी और उसे इतना पकाऊँगी ताकि दही जो भी पानी छोड़े वो बोटियाँ अपने अंदर ड्राई कर लें। और जैसे ही हमें किनारियों पर तेल नज़र आने लगेगा और सारा पानी खुश्क हो जाएगा, इसका मतलब है हमारी टिक्का बोटी तैयार है। इसके बाद हम टॉपिंग की तैयारी करेंगे। मैं पिज़्ज़ा सॉस नहीं यूज़ करती, हमेशा टोमेटो केचप से ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर डो फुली राइस कर चुकी है और ये ईजीली प्याले को छोड़ रही है, चिपक नहीं रही। 1.5 से 2 मिनट के लिए डो को हम पंच करेंगे ताकि वो सारी एयर रिलीज कर दे। इसके बाद एक मोटी रोटी बेलकर पिज़्ज़ा डिश के ऊपर उसे फैला देंगे और कांटे से सुराख कर लेंगे ताकि डो राइज ना करे। फिर हम 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालेंगे और उसे भी पिज़्ज़ा डो के ऊपर फैला देंगे और फिर अपनी पसंद की टॉपिंग हम यूज़ करेंगे। आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पर वो वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्च हरी वाली और पीली वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो भी पसंद हो और सब्जियाँ, कॉर्न्स, पाइनएप्पल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही टिक्का बोटी ऐड कर रही हूँ। हमें इवनली बोटियाँ और सब्जियाँ फैलानी है ताकि हर बाइट में हमें सारी चीज़ों का फ्लेवर मिले।
इसके बाद मोज़ेरेला चीज़ और चेडर चीज़ डाल दूँगी। आपको चीज़ जौन सी चीज़ जितनी पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रीन ऑलिव डाल रही हूँ, अगर आपको ब्लैक ऑलिव पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। साथ ही हाफ टी स्पून ओरिगानो और हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालूँगी प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैं 13 मिनट के लिए इसे बेक होने के लिए रख रही हूँ। अब पैन पिज़्ज़ा तैयार करूँगी। पैन में मैंने लो फ्लेम के ऊपर एक मोटी रोटी डालकर उसे सेकने के लिए रखा है। जैसे ही रोटी थोड़ी सी रिंकल्ड या बबली सी होगी, हमारी रोटी एक साइड से सिक जाएगी, उसे फ्लिप करके दूसरी साइड से सेकने के लिए रखेंगे और साथ ही कांटे से सुराख कर देंगे ताकि डो राइज ना हो। और टोमेटो केचप डाल के इवनली स्प्रेड करेंगे। फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। अगर आप पहली दफ़ा स्टोव पे बना रहे हैं तो आप इस वक्त स्टोव ऑफ कर दें और जब सारी टॉपिंग आप डाल दें तो लो फ्लेम के ऊपर ऑन कर दें और फिर पिज़्ज़ा तैयार करें। मैं पैन पिज़्ज़ा और ओवन पिज़्ज़ा में सेम टॉपिंग यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस की टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं। हमें पैन पिज़्ज़ा, अगर पैन पतला है तो नीचे हम इसके तवा भी डाल सकते हैं ताकि बेस मोटी हो जाए। मेरे पैन की बेस अच्छी खासी मोटी है इसलिए मुझे इसके नीचे तवा डालने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद मैं इसे एक ग्लास लिड से कवर करके रख दूँगी और जैसे ही बबल्स आ जाएंगे पिज़्ज़ा हमारा रेडी है 6 से 8 मिनट में। और साथ ही हमारा ओवन वाला पिज़्ज़ा भी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।